पसीना आया है ना, देखो पसीना, देखो ये रहा आँख पे, देखो ये पसीना, बाल देखो गीले पसीने से। मुझे नहाना है। तो पसीने के अंदर नहीं नहाना चाहिए पिकू। इसको बेटा लग रहा चोट वोट लगी हुई कुछ। चप्पल हाथ में होती है कि पैर में होती है? हाथ होती है। अच्छा जी, आपका बेटा, आपके आपके दोस्तों को बताऊंगा चैनल पे वीडियो में कि ये देखो बच्चा, दुनिया का पहला बच्चा जो हाथ में चप्पल पहनता है। वो तो घूमता जा रहा है। तो घूमता जाएगा ना, उसको आप इतना तेज मारोगे तो ये चप्पल। और ये सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा दोस्तों, ये ईगल है, अभी बिल्कुल हमारे पास से गया, बहुत ही बड़ा पक्षी है। और ये देख सकते हो, आप लोगों को भी नज़र आ रहा है ईगल। अभी एक्चुअली बहुत नज़र आते हैं यहाँ पर, हम डेली देखते हैं, छत पर आते हैं, आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो में दिखाया भी है। तो ईगल अभी बहुत नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त पक्षी लगता है मुझे ये। मैंने तो सोचा ईगल छोटे होते हैं। ईगल बहुत बड़ा होता है, बड़ों बड़ों चीज़ों को तो उठा ले जाता है ऐसे। चलिए दोस्तों, ये बैट बॉल है हमारा, और आज पिकू को एक तो बॉलिंग की प्रैक्टिस करवाता हूँ मैं यहाँ छत पे थोड़ा सा, और साथ में आज एक इसको टास्क दे रखा है कि भैया जो हाथ से उछालने वाला करते हैं, तो चलिए हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। और आप लोग भी देखना कि आपके बच्चे क्या कर पाते हैं, क्योंकि मैं भी सोचता था कि शायद कर देगा, लेकिन मैंने देखा कि नहीं कर पाया, तो मुझे लगा इसको वीडियो बना करके आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। और आप लोग भी इसको ज़रूर गाइड करना कि हमें कैसे इसको मैं सिखा सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताना। चलिए अब प्रैक्टिस करो, कैसे बताया था, 1 2 3 ओनली 3, व्हाट इज दिस पुलकित? पहले तो देखो आप गलती कर रहे हो, इसको नज़दीक से पकड़ो और ज़्यादा हाइट में मत उछालो, आराम से 1 2, हाँ ऐसे प्रैक्टिस करो, इतनी हाइट पे, ज़्यादा ऊँची जाएगी तो इसको बैलेंस करना मुश्किल होता है। चलो फिर से करो, कम ऑन शाबाश, 1 2, फिर गलती कर रहे हो वही। देखिए आपको सीखना, अगर ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले बैट को अच्छे से पकड़ो, ऐसे हाथ से पकड़। तो देखिए आप लोगों को मैं भी दिखा रही हूँ, ऐसे हाथ से मजबूती से पकड़ना है, उसके बाद इसको बॉल को ज्यादा ऊंचा नहीं, अपने नजदीक उछालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ही आगे पीछे होगा, लेकिन आपकी नजरें हैं बॉल पर होनी चाहिए, बिल्कुल किधर जा रही है, कैसे चल रही है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। तो ऐसे करना है, ठीक है, अब आपकी बारी है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ अब करो, 2 3 4, ओहो चलो पहले 2 और 3 हो रहा था, आपकी बार 4 टाइम हुआ, मतलब एक पॉइंट बढ़ गया है। फिर वही दूर मत, बैट को नज़दीक रखो अपने, कोई नहीं, नज़रें जमा के रखो, बॉल नहीं पकड़ पा रहे यार पुलकित, क्या कर रहे हो तुम, भाग क्या हो, रन चलो करो। फिर से गलती है, गलतियां करते जा रहा मिस्टर पुलकित, क्या गलती गलती होती है, जोर का धमाका खिलाओ इनको, खिलाओ ये तो पत्थर, पत्थर का क्या करना, पत्थरों के साथ खेलना छत पे आके, चलो बॉलिंग करो, बैट बॉल खेलते, अच्छे से हाथ घुमाया, फिर से घुमाओ, उधर फेंको, चलो बॉल, हाँ उधर फेंको, ये लेकिन ये डायरेक्ट किधर गई बॉल भैया, सामने फेंकनी है, इधर उधर टेडी वेडी नहीं फेंकनी। तो दोस्तों अभी आजकल पुलकित को बॉलिंग करने का बैट शौक लगा हुआ है, बैटिंग करने का शौक लगा, तो मुझे वही लगा कि यार इसको छत पर मैं बॉलिंग रियल में कैसे करते हैं, क्योंकि हमने भी अपना बचपन में क्रिकेट खेला, इवन अभी तक पीछे तक क्रिकेट हम खेलते थे, एवरी संडे हम खेलने जाते थे, कोविड से पहले, कोविड आने के बाद नहीं जा पाए हैं, तो इसको सिखा रहा हूँ, चलो करो करो करो। तो कैसे बॉलिंग करनी है, हाथ कैसे घुमाना है, वो सब चीज़ें इसको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, चलो अब उधर से इधर फेंको,
अच्छे से हाथ घुमाना है, कोई गलती या ढीला मस्ती नहीं चलेगी। तो दोस्तों आप लोग भी बताना कि ये बॉलिंग कुछ अच्छी करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले तो ऐसे ही हाथ से फेंक, जो थ्रो करते ना वैसे फेंकता था, लेकिन इसको अभी मैंने दो दिन हो गए मेरे को, कल करवाया था प्रैक्टिस, थोड़ा परसों करवाया था और आज करवा रहा हूँ। और सुबह सुबह की धूप आई है, विटामिन डी की फुल प्राप्ति हमारी चल रही है, वर्कआउट एक्सरसाइज। चलिए दोस्तों, कहाँ गया पुलकित, कहाँ गया, क्या हुआ, हैं, थकान हो गई। क्यों थकान क्यों हो गई? अब इनको मेरी बैटिंग दिखाओ, मैं कितने दूर तक शॉट मारता। अच्छा चलो पकड़ो बॉल। चलो भी बैटिंग और देखते पुलकित की। चलो बाप रे, मार दे सोसाइटी के नीचे भैया, नीचे जाएगी, मारोगे नीचे तो। अब नीचे जाना पड़ेगा, हजार बार बोला था नीचे नहीं फेंकना, नीचे नहीं फेंकना। अब यहाँ से नहीं दिखेगी नीचे बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, हमारी सोसाइटी में नीचे कहीं बोल गई, हो सकता है कैमरे में आ रही हो, अब लेके आनी पड़ेगी। बोल हमारी चली गई है नीचे, अब उस बोल को लेने जा रहे हैं। और आज का वर्कआउट सेशन भी हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और वीडियो के अंदर आप लोगों को बस यही था कि भाई हम अपने बच्चों को कैसे वर्कआउट कराता हूं, और आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन कीजिए, वर्कआउट कराइए, एक्सरसाइज कराइए, प्राणायाम वगैरह है, योगासन वगैरह है, उसके बाद ऐसे कोई गेम है उसकी प्रैक्टिस करवाइए, ताकि वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन सके। क्योंकि अभी कोविड में सब लोग बच्चे अपने घर पर बैठे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है उनको इस तरीके की हिम्मत देना। मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी अपने तरीके से जो भी आपको अच्छा लगे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपना वर्कआउट उसी हिसाब से आप लोग कीजिए। और अभी जा रहे घर पर, आगे की देखते हैं। तो पसीना आया है ना, देखो पसीना, देखो ये रहा आँख पे, देखो ये पसीना, बाल देखो गीले पसीने से। तो पसीने के अंदर नहीं नहाना चाहिए पिकू, किसने बोला आपको पसीने में नहाना चाहिए? देखो पूरे सिर में पसीना आपको, देखियो सारे बाल गीले हैं, देखो पसीने में, देखो हाथ भी गीला हो गया पसीने के अंदर। आपको किसी ने ऐसा बताया कि पसीने में नहाना गलत बात होती है? नहीं बताया, पर मुझे नहाना है। तो आप अगर पसीने में कोई नहाए, पसीने में जब आपके शरीर पर ठंडा पानी पड़ेगा, सिर के ऊपर ठंडा पानी गिरेगा, तो उससे क्या नुकसान होता आपको इस चीज़ का मालूम है? तो आप चाहते हो कि आपका नुकसान हो? नहीं, पर मुझे नहाना है, नहाना है। नहीं, पर आप नुकसान करना चाहते हो? नहीं, पर नहाना है मुझे। तो मैं वही, नहाना है, नहलाता हूँ, डेली नहाते हैं, सुबह मैं नहलाऊंगा आपको, लेकिन आप पसीना सूखने से पहले क्यों नहाना चाहते हैं, मुझे ये जवाब दो। मुझे ऐसे ही नहाना है, पसीना नहीं सूखाना। तो क्यों, कारण क्या इसका? मुझे नहीं सुखाना और नहाना है। नहीं सुखाना और नहाना है, पसीना तो सुखाओगे नहीं तो फिर आपके सिर में आपको ठंडा पानी गिरेगा, तो उससे आपको हेडेक हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, आपकी नसों में इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अभी वो गर्म है पसीने से, वो ठंडी होने दो, पसीना सूखने दो, उसके बाद सूसू करना, फिर कुरला करना थोड़ा सा, उसके बाद तो नहा लेना, लेकिन दो तीन मिनट बाद पसीना सूखने से, पाँच मिनट बाद, चलो नहीं। चलो दस मिनट बाद, पंद्रह मिनट, बीस, पच्चीस, तीस, आधा घंटा, एक घंटा। मुँह देखो, मुँह देखो इसका, देखो यार ऐसा जिदेल बच्चा, ये कैसे मेरे से जिद लगा रहा है और बोल रहा है कि पसीने में नहाना है। पसीना जब आ जाए, देखो मैं भी आते ही पंखे के नीचे आराम से साइड में बैठा हूँ, पंखा भी मैंने ज़्यादा तेज नहीं चलाया क्योंकि अपन धूप में खेल रहे थे, पसीना अपने को बहुत आया था, तो ऐसे में अपनी बॉडी को नॉर्मल होना ज़रूरी है, क्योंकि वो गर्म सर्द में थी, पसीना जब आता तो बॉडी गर्म हो जाती है ना अपनी, होती है ना। अब उस बॉडी को जो गर्म हुई है उसको एक बार नॉर्मल होने दीजिए, उसको शांत होने दीजिए, शांत होने के बाद हम आते हैं, तो वरना आपके शरीर को नुकसान हो जाएगा, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपकी नसें कमज़ोर हो जाएंगी, जो मेहनत आप कर रहे हो छत के ऊपर वो मेहनत आपको भारी पड़ जाएगी। सुनो, आप पहले सीखो, ये आपको एक अच्छी सीख दे रहा हूँ, आपको पसीना आ जाए तो 10-15 मिनट आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल करना है, ताकि पसीना पूरा सूख जाए, उसके बाद आपको सूसू वगैरह करना, कुरला वगैरह करना, ब्रश वगैरह करना, फिर नहाना। तो पसीना सूखे बिना नहीं नहाना है, मुझे नहाना है। यार ऐसे जिद, गलत जिद लगा रहे हो आप ही तो। आपको समझ, आप समझदार बच्चे, आप डेली पसीना सुखाते हो फिर नहाते हो ना, तो आज आपके ऐसे दिमाग में क्या भूत चढ़ गया है? मुझे नहाना है। तो दोस्तों यार इसको समझाओ, इसको कौन से तरीके से समझाओ, मैं इतने प्यार से समझा रहा हूँ, फिर नहीं मान रहा हूँ। अरे मस्ती कर रहा था यार, देखो कितना खतरनाक बच्चा, ये मानता ही नहीं है। नहीं बेटा शांत, मस्ती कर रहा हूँ, शांत हो जाओ थोड़ी सी। चलो पंखे के नीचे हो, पंखा देखो, ये हमारा पंखा चल रहा है इधर, पंखा भाग रहा है, इसको पकड़ के रखना पड़ेगा,
सुनो मेरी बात, थोड़ा सा बेटा पसीना सुखाना जरूरी है आपको। मैं देखो आज बुक में पढ़े, बुक में भी दिखाऊंगा पढ़ के, ठीक है? यूट्यूब पे वीडियो दिखा दूंगा। नहीं, ये पसीने में नहाना गलत बात होती है। नहीं यार, कहीं तो आप अच्छी बात करो। यार समझाओ यार इसको, समझाओ भैया आपको। नहीं। आपके फैन आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये बच्चा कैसा है, इतनी मस्तीखोर बच्चा है ये, और ये पसीने में नहाने की बात करता है। चलो नहीं 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 पसीने में नहीं, ठीक है? तो दोस्तों इसके साथ मस्ती करते करते इसको 3-4 मिनट तो मैंने यही पसीने में पसीना सुखा दिया, सुखा दिया, सुखा दिया। लेकिन चलो ना, चलो ब्रश रख दिया मैंने ना, तो ब्रश रखिए ना, ना तो ब्रश रखिए, चलो ब्रश कराता हूँ मैं, चलो चलो ब्रश रख दिए, चलो चलो ब्रश रख तो दिए, चलिए चलिए बोल के शांत हो गए, शांत, रोना नहीं है। सुबह सुबह इतनी मस्ती, एक्सरसाइज वर्कआउट करते हो, प्राणायाम करते हो, बाहर घूमने जाते हैं, ठंडी हवा में घूमते, और अब ये रोना बिना बात के, ये कोई बात ही नहीं है रोने की। बस शांत शांत बेबी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, प्यार से देखो, इतना प्यार से जब बोले ना पापा तो शांत होना चाहिए, ठीक है? शांत 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 शांत। चलिए अब एक काम कीजिए, आपकी ब्रश मैंने रख दी है ना, रखिए ना ब्रश, देखिए अपने ब्रश रख दी है ना, तो अब जा करके आप अपनी ब्रश कर लीजिए, फिर मैं आपको साबुन से नहाना है कि शैम्पू से कि बिना साबुन से? भी नहीं। थप्पड़ से नहाना? नहीं। ये थप्पड़ फटा, ओए ओए मुझको ही मरवाएगा रे यार। ओ ओ ओ ओ बाप रे, तोड़ दिया रे। आ फिर से मार दिया। ओ आ आ चलिए चलो चलो चलो, बस मस्ती होगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, और बच्चे बड़े जिदेल होते हैं, लेकिन बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश करनी ताकि ये समझे और अच्छे इंसान बने। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो नाते पर, बाय बाय दोस्तों, इसकी बाय बाय देखो, फोन को तोड़ने की वाली बाय बाय कर रहा है। चलिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जिन्हें भी पर आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी और ये मस्ती को बच्चा कैसा लगा। चलो चलो बाय बाय बाय।